शाहरुख खान की जीरो फिल्मों के साथ टकराएगी ये पांच बड़ी फिल्में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। इस साल क्रिसमस पर बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्म जीरो रिलीज होने वाली है। बता दूं कि ये फिल्म में शाहरुख खान पहली बार एक बोनी का किरदार निभाने जा रहे हैं, यानी कि जीरो फिल्मों के जरिए शाहरुख खान कुछ नया करने जा रहे हैं। लेकिन बता दूं कि शाहरुख खान की जीरो फिल्मों के साथ पांच बड़ी फिल्में टकराने वाली है। तो आइए हम जानते हैं ये कौन सी फिल्म है। सबसे पहले द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। बता दें कि ये फिल्म में अनुपम खेर डॉक्टर मनमोहन सिंह के किरदार में दिखेंगे और ये फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। दूसरे नंबर पर है मौली। ये एक मराठी फिल्म है, लेकिन ये फिल्म में हीरो है रितेश देशमुख, यानी कि एक बॉलीवुड के हीरो, और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 21 दिसंबर को। तीसरी है सिम्बा। सिम्बा में लीड रोल में रणवीर सिंह और सारा अली खान देखने को मिलेंगे और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 28 दिसंबर, यानी कि जीरो फिल्म के ठीक एक हफ्ते के बाद। चौथी फिल्म है एक्वामैन। एक्वामैन एक हॉलीवुड की फिल्म है और ये फिल्म भी 21 दिसंबर को ही रिलीज होने वाली है और ये फिल्म को दर्शकों के द्वारा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और साथ ही में ये फिल्म के ट्रेलर ने भारत में भी ट्रेंड किया था। और पांचवी है अलीता बैटल एंगल। तो फ्रेंड्स, ये पांच फिल्में जो जीरो के साथ रिलीज होने वाली है, यानी कि हम जीरो के साथ अगर काउंट करें तो क्रिसमस पर छह फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली है। लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किंग खान के सामने ये पांच फिल्में टिक पाएगी कि नहीं। सबसे पहले बता दूं कि जो हॉलीवुड की दो फिल्में हैं वो भारत में इनकेस पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि भारत में शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी बहुत ही अच्छी है और साथ ही में रणवीर सिंह की भी फिल्म आ रही है, तो हो सकता है कि ये दो फिल्में पोस्टपोन हो। लेकिन रणवीर सिंह की सिम्बा, रितेश देशमुख की मौली और अनुपम खेर की द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर क्रिसमस पर ही रिलीज होने वाली है। तो शाहरुख खान की कड़ी टक्कर होगी ये तीन फिल्मों से। अगर शाहरुख खान की फिल्म का कंटेंट और स्टोरी अच्छी निकली तो आराम से ये तीन फिल्मों को पीछे छोड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ये पांच फिल्मों को पीछे छोड़ सकेगी कि नहीं? और आप कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज़ पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की खबरें के लिए एफ स्टार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।